नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिकी इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। हर रहस्य अपने आप में एक इतिहास, एक कहानी संजोए हुए है। तो आज हम इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य की बात करेंगे कि कैसे 550 साल से जिंदा है ये ममी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित लाहौल स्पीति के एक गांव गेहूँ में एक ऐसी मम्मी का रहस्य है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। माना जाता है इस जगह पर 550 साल से एक साधु तपस्या में लीन है जो अब मम्मी में परिवर्तित हो चुके हैं। दूर देश विदेश से हजारों लोग इन्हें भगवान मानकर इनकी पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मम्मी तिब्बत के लामा सांगला तेजिंग की है। ये 550 वर्ष पहले यहाँ पर तपस्या करने आए थे और तपस्या में बैठे बैठे ही आत्मा इनके शरीर से निकल गई। उस वक्त लामा की उम्र करीब 45 वर्ष थी। खास बात तो यह है कि ये पूरी दुनिया की इकलौती बैठी हुई अवस्था में मिली मम्मी है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि इस मम्मी को 550 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है इन्हें जिंदा भगवान। दोस्तों, जब भी किसी मम्मी को बनाया जाता है तो उस पर एक खास किस्म का तेल लगाया जाता है। इस मम्मी पर ना तो कोई खास किस्म का तेल है और ना ही कोई और पदार्थ। इसके पीछे ना ही विज्ञान के पास और ना ही किसी और के पास कोई जवाब है। इन्हें भगवान मानने का पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज भी इनके नाखून और बाल बढ़ रहे हैं, इसीलिए इन्हें भगवान और इतना पूजनीय माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।